हाउ टू फिक्स वोडाफोन आउटगोइंग कॉल नॉट गोइंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने वोडाफोन के सिम में आउटगोइंग कॉल का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यदि आपका आउटगोइंग कॉल जो है वो बिल्कुल नहीं जा रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आउटगोइंग कॉल्स के रिगार्डिंग जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आपका प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली फिक्स होगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक सेटिंग करना है, ठीक है, बेसिक सेटिंग करना है। यहाँ पे कम से कम मैं आपको 5 सेटिंग बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक बार फ्लाइट मोड को ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद में अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, उसके बाद में एयरप्लेन मोड को आप ऑफ कर दीजिए, उसके बाद में एक बार कॉल करके देखिएगा आपका आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम बंद हुआ कि नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, यदि काम कर जाता है सही, काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम मैनेजमेंट आपको शो करेगा, उसमें आपको आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम पर आपका प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको करियर पर जाना है, करियर सेटिंग, और इसे आपको ऑफ कर देना है। ये एक बार ऑफ करने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली बंद करके मैन्युअली आप यहाँ पे नेटवर्क जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको तब यूज़ करना है यदि आपका नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, तब आपको यहाँ पे नेटवर्क जो है ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क आपका नज़दीकी, जो भी नेटवर्क सही काम करता है, आपका एयरटेल का सही काम करता है, वोडाफोन का या फिर रिलायंस का, जो भी सही काम करता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे मैं फ़िलहाल तो ऑटोमेटिक रख देता हूँ और बैक चले जाता हूँ। ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सही है, सॉल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक सेटिंग जो आपका कॉल सेटिंग्स को जो है आपको कम्प्लीटली ये रीसेट कर देता है, ठीक है। अभी कॉल सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट में, या फिर आपके मोबाइल में शो होगा इंस्टॉल्ड ऐप, या फिर एप्लीकेशन मैनेजर, या फिर ऐप मैनेजमेंट। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पर आना है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ढूंढना है कॉल, तो ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉल मैनेजमेंट ढूंढ लेना है या फिर कॉल्स आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसे एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा, उसके बाद में बैक जाना है, स्टोरेज यूसेज में जाना है, क्लियर डाटा में क्लिक करना है और इसे क्लियर कर देना है। ये क्लियर करने के बाद में दोस्तों आपको बैक आना है, बैक आना है आपको, बैक आने के बाद में अपना मोबाइल को एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देना है, उसके बाद में कॉल करके देखिएगा दोस्तों आपका आउटगोइंग कॉल का प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉल्व हो जाता है, ये थर्ड सेटिंग रहा आपका, सॉल्व हो जाता है सही है, सॉल्व नहीं होता है आपको, उसके बाद में आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स पे, उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है बैकअप एंड रीसेट, उसके बाद में आपको जाना है रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। अब यहाँ पर रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद में दोस्तों आप जो है आपको पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करके आपका मोबाइल का जितना भी नेटवर्क सेटिंग है वो सारा रीसेट हो जाएगा। ये करने के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए। अभी दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ, यदि आपका फिर भी काम नहीं करता है और भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आता है, तब एक बार आप जो है अपना यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर सकते हैं। यदि सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा, कभी कभी कॉलिंग में अपडेट आने की वजह से भी हमारा आउटगोइंग कॉल काम नहीं करता है, ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी कभी हमारा सिम का नेटवर्क के ज़रिए से, मतलब ऑफिशियली टेलीकॉम कंपनी के ज़रिए से सर्वर डाउन या फिर टेक्निकल इशू होने की वजह से भी कभी कभी आउटगोइंग काम नहीं करता, ठीक है, तो वो भी एक बार आप कस्टमर केयर से क्रॉस चेक कर सकते हैं बात करके। तो दोस्तों ये था कम्प्लीट सॉल्यूशन, कैसे आप जो है आउटगोइंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।